हाय मोरे रामा मोरे राम ए भोले जोगिया हो पहले ही राउंड में तोहार ऊपर ही हुआ। अब एक को धक्का नहीं थाम पाएगा। सीटी न दे परम पिता परमात्मा ये कण कण तेरा बाण करावन हार प्रभु सब कुछ तेरे पा संग तुझको जान के ये दास करे अरदास तू राजा अधिराज हो मैं दासों के दास हे समर्थ परमात्मा तू सबका आधार कण कण में है बस रहा ये तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार निराकार साकार तू ए जग के पालनहार बेअंत महिमा तेरी दाताय परम्परा परम पिता परमात्मा ए सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण सुनने वाले मित्र आज इस चंदा के पुरवा के धरती में धर्म के बड़े भाई कृष्णा यादव बिरौतीपुर के धरती पट्टी प्रतापगढ़ इनके द्वारा आप लोगन के दर्शन हुआ। कस हो सीटी बरे बहुत मारी हो थे संहार के लाला सीटी हाँ अब सीटी बरे मारी नहीं खाए है तू लगता कृष्णा भाई के द्वारा आप लोगन के दर्शन हुआ। धर्म के हमारे गुरु भाई हैं आज उनके ससुराल में उनके साले के लड़का का तिलक उत्सव हुआ। मास्टर साहब इस तिलक उत्सव में दूर दरार से आए बिरहा प्रेमी नौजवान साथी तमाम हमार बिरादरी भैया तमाम नात बात रिश्तेदार जहां तक हमारा आवाज जाता है हम माताएं बहनन के सबके चरणों में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। आपके पड़ोसी कलाकार हमार पड़ोसी बिरहा के सुंदर गायिका ज्योति यादव बिटिया तो होके कही कि बहन यही समझे रहे तू अब पर्वतपुर पर्वतपुर सैफाबाद पट्टी प्रतापगढ़ के धरती से बहुत सुंदर गायिका ज्योति यादव जी के पूरे पार्टी के नमस्ते प्रणाम बह दास के कहनाम व वंदना के शुरुआत बह मर्दे हे
सुनने वाले बाबू, गीत में भाव आ अनमोल बात बाबूजी बाबूजी बाबूजी। श्रीकांत बैस दोनों आंख के अंधा थे, आकाशवाणी इलाहाबाद में बड़ी अनमोल बात बोली ने। गाना बजाने अपने जगह बा, लेकिन जो मुलाकात हो रहा है आज तिलक उत्सव में, आज के बाद कल मुलाकात, बराते क्यों जात तिलके में क्यों आवत। लेकिन श्रीकांत बैस ने कहा कामना, कह झुलनी के रंग साचा हमार पिया, सुनरवा बनाए रे झुलनिया, रंग पड़ई नहीं काचा हमारा, यही बात को कहा कि ईश्वरीयंश जीव अविनाशी। संसार में इंसान का सबसे बड़ा कीमत कौन होता जोन बोल रहा है, जोन दिना बोलता खत्म हो जाए वहां दिना शरीर के कीमत जोने दिना बोलता खत्म, वह दिना शरीर के कीमत खत्म हो जाए, जैसे जीरो बा कोई कीमत नहीं बा। एक लग गवा करे संगे मास्टर साहब दस हो गया, एक जीरो और बढ़िया, एक जीरो और एक हजार, अब एक हटा लिया के तब फिर भाई गोल, वैसे शरीर के कीमत है हा। लेकिन भाव में कवि ने ये भक्ति के भाव में भजन में लिखे पहली लाइन में मार साहब का, सेवा में श्रीमान है आपके बीच में मुलायम सिंह यादव भोईधरा के धरती से, भाई कोर 101 रुपया का मां पुरस्कार हुआ, मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रहे सब भैया के नमस्ते प्रणाम भाई है। दास कर दास भाई भगत अपने गुरु के चरणों में अरदास कर तमन्ना का, बाबूजी नदिया एक है घाट बहुते, गंगा एक बह घाट सौ बह दू सौ बह है, नदिया एक लेकिन घाट बहुते, क्यों प्रयागराज के घाट पर नहा तो क्यों फाफा मऊ के घाट पर नहा तो क्यों सैदाबाद के घाट पर नहा तो क्यों सीतामढ़ी के घाट पर नहाता, क्यों माई के सुमिरन करत क्यों ददा के करत है क्यों बाबा के करत है क्यों बाबू के करत, लेकिन परमात्मा एक बाह है। ओ भगत बने गुरु से कर रहा है अरदास मुन्ना, सत गुरु ज्ञान दई के भरम के हटाई दिए,
एक प्रभु की रचना सारी सींच रहे हैं सब फुलवारी हमके आवागमन से बचाई दी है भक्ति के कोई और छोर नहीं बाबो भगत जाए के अपने गुरु के चरणों में बाबू साहेब अरदास करता जो काम दवा से नहीं होता है वो काम दुआ से होता है कामिल मुर्शिद मिल जाते हैं तो बात सतगुरु मिली है तो सब मिली जाए आवागमन से मुक्ति होई जाए हमके प्यार से जीना सिखाई दे में श्रीमान आपके बीच में विजय यादव बाबू जी कोरोना के धरती से ना अच्छा करौला करौला हाँ क्षमा चाहे था कमो कौन जल्दबाजी में सठाइन के जगह लोग मनाई ठसाई नौ कह दे था दूसरे का साइकिली मनाई बैठा था तो इतना ही हंडल डगर मगर करबो ही कर आप विजय भैया को 200-201 रुपया का पुरस्कार हुआ इस भक्ति के भाव पर मालिक सुखी रखे बड़का भैया के नमस्ते प्रणाम बा अच्छा मुलायम सिंह यादव 101 रुपया का पुरस्कार से सम्मान किए भुईधरा के धरती से मालिक सुखी रखे भैया के नमस्ते प्रणाम बा खीरी लान गुरु घराने के परिचय बला ला हाय नया नवा में राम बस गए लागी बार बार हम बाबा के चरणवा नया नवा में राम बस गए निराकार में सकती बाटे कह गए दास पुकारी जी बलिहारी गुरु हमई बतावा दिए इशारा भारी जी बाबूजी गाना सबसे सब बात सुन सकत है लेकिन कलाकार के माध्यम से ऐसा ऐसा चीज छुपावा कि कोई कोई कलाकार से भाव और गीत आप भी सुन सकत हैं निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं गोस्वामी तुलसीदास ने लिख रहे हैं कि है नहीं अरे सूझत नहीं दीर्घ दीर्घ ऐसे जिंद तुलसी संसार कह हुआ कहा मौका कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे खुदा तो हाजिर नाजिर भे लेकिन आदमी खुद ही आनहर बहन तब कहा बार बार बाबा के
बाबा कई बलिहारी अहम पर देतना जदुइया नयनवा में राम बस गए स्वर्गी बाबा राम कैलाश कबाटा बाबा पर धियनवा नयनवा में राम बस गए शंकर जी बैठा है। ब्रह्म ऋषि नारद महाराज अपन बीड़ा बजात पहुंचन कहा महाराज भी आहवा कैला शंकर जी कहा यार बियाह करी का न खाई के समान बन रहे के शादी के बात नहीं है शादी तो कई ले लेकिन नारी को खाना और सोना दू चीज कान और जो करे दू चीज नहीं भाई साहब ओकर मेहरारू नहीं टिकी ना टिकबाई करी। ब्रह्म ऋषि नारद महाराज कहा प्रभु जी लड़की तपस्या करता हनन हो जाए भक्ति में लीन बह। ब्रह्म ऋषि नारद महाराज के बात सुन के शंकर जी मास्टर साहब तैयार हो बात मान लेन लगन उगन पर गया नंदी बैल पर बैठ के शंकर जी पूछी के कैती मोह कई के उल्टवा से चल देन राजा हिमाचल की हिया गौरा के सखी सहेली देखी सोची नी दुल्हाया कि कौनो मगारी आवत देश का दुल्हाया गवारा ताकत ई कौन दुल्हा है कि पछवारा ताकत। सखी सहेली जाय के गौरा से कहत हैं मुन्ना का कहा बूढ़े बैल पर दुल्हा वाले पी के गाजा भांग सुनाए गौरा हो बूढ़े बैल पर दुल्हा वाले पी के गाजा भांग सुनाए गौरा हो कैसे रहबू दुल्हा सखी सहेली कहा दीदी बारह साल तपस्या की हूँ तुहार भक्ति खराब है गौरा कहा दीदी का भाई अरे मोर बप्पा रे दुल्हाया की कौन मदारी है कहा दीदी बात काया है कहा देखत है देश का दुल्हाया गवारा ताकत कौन दुल्हा की पछवारा ताकत है और शंकर जी नंदी बैल पर बैठ के वही पूछिए पकड़ के उल्टवासा चलाया वो तो है ना। विष्णु महाराज हरे कहा भाई साहब रच के कम से कम अपन सकल ओकल बना ही लेते पानी ओनी तो हमें लोगन के मिल जाए लेकिन शंकर जी बड़का भैया वही पूछिए पकड़े उल्टवासा जब आवत हैं सखी सहेली यही बात कहत हैं गौरा रोवत हैं कहत हैं का कहाँ डमरू बजावे जैसे लागे लामदा
देखी के डराई जाला सब नर नारी। सपवई के मौरा सपवई के माला पहिरे बड़ा बेढांग सुनाए गौरा हो। सपवई के मौरा सपवई के माला पहिरे बड़ा बेढांग सुनाए गौरा हो। कैसे रहबू दूल्हा के सेवा में श्रीमान शीतला प्रसाद यादव बाबू जी आप पांडे के पुरा के धरती से 201 रुपया का पुरस्कार के है। भैया के नमस्ते प्रणाम बहाय है, दास के कहनाम बहाय है। इत शंकर जी के बात रहा जौन मास्टर साहब चैत के नवरात्र खत्म हुई है, दुल्हीन अपने दुल्हा से कहता ननकऊ के पापा नौ नौ दिना नीरा जली रह झुराई के रहठा हो पड़वा बेचारा मर के अपने माई के पिए के नहीं पाए बा। हमारे बिरादरी में एक खास बड़ी गहरी बहाय है बात। पहले देखा तो होबा जब घी टघराए जात रहा नैनू तो आधे गांव में महकत रहा। अब जहने अहिरे के हियाँ भैंस लागत है तो दूध कुल बेचाए जाता है तो घी कहाँ से बन पाए। नंदी बैल के घी लई आई के सही बात, नंदी कंपनी के घी लई आई के पूजा होम अगियार कर तहन मास्टर साहब। नंदी जौन नहीं देखत नैनी वाले नंदी जौन बीजेपी के विधायक हन है उनकर कंपनी बहन नंदी के उठा से हाँ कंपनी के नाम से और नंदी उनकर नाम यह है। वह कंपनी से घी लई आई के घोम अगियार लोग कर तहन है लेकिन मास्टर साहब घरे घी। तब दुल्हन कहता है अपने दुल्हा से का लाला नौ दिन भूखा रबा नौ रात बलमुआ पातर हो जाए। बाबू भक्ति को और छोड़ नहीं बा, भक्ति किया मीरा भक्ति किया प्रहलाद भक्ति किया भभीषण परिवार से नाता। आजकल को भगत नहाय में 5 मिनट लागत है कपारे पर आधा आधा घंटा नस्का कट रहा है। हाँ तो ऐसा ही भक्ति भी चलत है नंदी घिये से होम अगियार चलत मास्टर साहब। बर मरे चाहे कन्या लेकिन इंसान सुमंगली से काम करत ती। यादव जी से बड़ी गारी गाऊ बिट्टी तू तो आज आर फरमाइश रही होई फरमाइश रहा का तोहार। हाँ का करे कलाकार हन भाई जे जो ने पैसा दे तो उनकर काम ही है। बढ़िया आप लोग भी रहा सुने गणेश महाराज का विवाह और तिलक। एक ठिनी गणेश महाराज के हरव सजाता भी रहा में एक लाइन दादा वाली तर्ज लग गई मुन्ना। विवाह Thank you.
अप्रैल से कलाकार सब एकदम अपने गीत में मास्टर साहब लीन है ना, और समाज के सेवा करत है ना। काले आपके परोसे में दास रहा है ही धनिया मऊ में, आज आपके हियाँ आई है सवेरे, फिर जाए बा अम्बेडकर नगर अठी भात का वही कहा है, फिर रात की लौट के आवे के बहा यही नरई चौराहा है जठवारा के लगे, अब ऐसे चल जा चलत है और आपके सेवा होता है। का बजाए भैया ज्योति एक ठे दुल्हन रही अपने ससुराल से मैके में जाए लाग, ओकर भाई भैया हरे आए रहे ना नहीं बुलावे। हाँ संझा के साइम टाइम में वो दुल्हनिया अपने दुल्हा से बड़ा दर्द भरी बात कहता है, बड़ी रंगीन बात कहता है। का दुल्हनिया कहत अपने दुल्हा से, प्रधान जी ध्यान दही का ये बहादुर कहा, अरे गोल गोलन ने बुलापे, अरे गोल गोलन ने बुलापे नउ नउ कली मजवा लैला राजा नहीं दही के भरोसे चूना यह बरे के दोनों सफेद होते, एक और दही खाई लेबे तो मशीन तरी कह दे, और चूना खाई लेबे मार साहब जौन तू समझा था हम, लेकिन भाव है राजा विश्वरूप का दुई बिटिया पछोरे सब जानत थी के रावई के क्यों जानत है, औरत देख ले अनाज ले रहते सूपे में दू दाई फट फट मारत थी, एक दाई मारत ककरा अलग हो जाता दाना। राजा विश्वरूप का दू बिटिया दोनों सयान हो गई हैं, मन में चिंता बहा, राजा विश्वरूप एक दिना विचार करत हन गीत में भाव कहत हन का, अरे विश्वरूप गुलशन में खिली गई कली अरिधि और सिद्धि संग दूनौ लली, सुता के हो ये कई सजनवा ए भैया, दोनों सुता के हो ये कई सजनवा, सुंदर होई खानदनवा होई नौआ से पंडित कहैया व चली रीति और सिद्धि संग दोनों
दिनों सयान हो गई हैं। राजा विश्वरूप एक दिना पंडित और नाऊ के बुलाएन, कहे भैया हमार दोनों बिटिया सयान हो गई हैं, दोनों लड़किन के शादी करे के बाद लेकिन एक बात जान ल, दुल्हा एक लेकिन दुल्हीन दो। अब समझे चल, दुल्हा दुल्हीन दो। हाँ पंडित और नाव कहे महाराज ठीक है, दोनों जने चल देहन बर खोजे बरे मास्टर साहब। ए बाबूजिया, दोनों जने चल देहन बर खोज, नाऊ और पंडित, पहले नाऊ और पंडित किसना भैया बर खोजते ही रहे। हाँ यह बरे के विश्वास रहा है, इस सतयुग की बात है, तब से त्रेता आए द्वापर आए कलयुग में तो ढेर समय बदल गए। अब जैसे मान ला हम पचे हर जोते रहे है, अब हम आप पचे का लड़किया का जाने ससुर का हर का कहत थी, वही वाले समय में लड़कियन से पूछा जाए सैला के का कहत थी, हरैली के का कहत थी, वो जान पाई है कब न जान पाई छोटी बड़ी रिसर्जी चीज चलत गहराई में। कहा तू नौ सुता के होई एक कई सतना, घर द्वार सुंदर होई खाना तना, सही बात घर नहीं सही, घर बात बन नहीं सही। अब तब तक ब्रह्म ऋषि नारद महाराज अपन बीड़ा बजावत चलायावत रहे। अरे महाराज कहे नारायण नारायण, कहे कस, अरे कहे राजा विश्वरूप का दूठ बिटिया सयान भई है इन है। महाराज वह हम बच्चे बर खोजे निकला है, जहाँ जात है लड़का सही बा तो घर नहीं सही और घर सही बा तो लड़का नहीं सही। ब्रह्म ऋषि नारद महाराज कहाँ कहाँ पगला थे यार तू पचे, हमारे संघवा चलत तो का हम दिखाई, हाँ जेकर पूरे विश्व में चर्चा चलता, हाँ पगला था हनियारे हेरत है। राजा विश्वरूप के देशानुसार पंडित और नाऊ ही चढ़ावा बैठा है, और नारद महाराज जब सुने तो नारद महाराज यही बात कहते चला हमारे संघे कहा लिया चलब। ब्रह्म ऋषि नारद कहा चला साथे लाग, दूसरी लाइन में बड़का भैया कवि ने लिखा था भाव का, पहुंच गईले बाबू जब शिव के भवनवा, बेटवा गणेश के बोलवले समना, देखता गणेश जी का दहिया चली री थी और खोजत है चला आओ दिखाई, बढ़िया लड़का और घर द्वार भी अच्छा और नामी आदमी लिया के
ब्रह्म ऋषि नारद महाराज ना वो पंडित के कहाँ पहुंचन जान थे, शंकर जी के यहाँ। और जब शंकर जी के यहाँ पहुंचे कहाँ देखा था तीनों लोक में इनकर चर्चा चलता है, जलपान उलपान केहन ना वो पंडित कहाँ रच के महाराज लड़कवा के बुलावो। और जब लड़कवा के बुलावत हन तो गणेश महाराज आए, गणेश महाराज आए तो नाऊ और पंडित देखे तो मास्टर साहब कहे अरे मोर बप्पा रे फूल हल बिटिया, अब हम बिया ना करा बतावा राजा विश्वरूप का लड़की फूल यस लड़की हूँ, फूल यस सुंदर बिटिया इ लड़का या आ सुपेश कान गगरियस हाथी की नहीं। अब समझे चला ऐतिहासिक बात है, एक बात जान ले है बाप के तनों लड़का खोज ले, लेकिन आज के जमाना में जौन औरत है न लड़कियन के महतारी, उन्होंने कहते रच के मेहमान के फटौना खींचे हाँ वो अनहियारे में रिसर्च कर थी और को समझते इतने हल्के में लेता है का काम तो प्रसाद भैया हो। अब गणेश महाराज बैठ गए लेकिन ना वो पंडित दोनों जने मन में विचार करे लागे, नौवा बेचारा थक ही गया रहा बर खोजत खोजत हाँ कहा बस बस पंडित जी बहुत जल्दी करब टीका लगाओ तिलक। पंडित जी कहा अरे यार राजा विश्वरूप को सुंदर लड़की हाँ कुछ समझे बेचारा इधर राजा से कुछ बात करे कहा कुछ जिनवा न समझाओ न बताओ, कभी के लिखा ही पड़ता है दोनों जने करत कहन मुन्ना तीसरी लाइन में उह टीका लगाई माथे तिलक लगाई बेटवा गणेश खूब खुशिया मनाई गुलशन में कलीरी थी और सोरह बत्तीस आना रहा तिलक चढ़ाए, तिलक चढ़ाए के बाद राजा हिमांचल के यहाँ आए कहे महाराज आपके देशानुसार बहुत सुंदर बर मिला बहा और नामी के यहाँ आए आपके बिटिया दोनों जही। राजा विश्वरूप कहा कहा देवा का देव महादेव जेकर तीनों लोक में चर्चा बहा है उनका लड़का गणेश महाराज बड़े प्रेम पूर्वक से बाबू साहब तिलक हुआ और एक हफ्ता के बाद लगन पड़ा रहा मास्टर साहब शादी भी हो, शादी हो गई रिद्धि और सिद्धि गणेश के घर पर आए। जब घर पर आए तो कुछ दिना के बाद गीत में भाव है एक लाइन और भाई ए भैया रिद्धि सिद्धि जब दोनों जने घरे आए तो कभी के लिखा ही पड़ता है का रिद्धि और सिद्धि जब आई न ससुरावा भैया शादी संपन्न हो गया रिद्धि और सिद्धि अपने दुल्हा के साथ गणेश महाराज के साथ ससुराल आई गई का दोनों बहन जब यवली न ससुराल
भैले तू लाल लनवा सेवा में श्रीमान है आपके बीच में राम बहादुर यादव पूर्व अच्छा सॉरी राम आश्रय यादव पूर्व प्रधान सकवा डी के धरती से बाबूजी को और 101 रुपया का महापुरस्कार हुआ राम आश्रय बाबूजी के चरणों में प्रणाम बस सब भैयन के नमस्कार बा सेवा में श्रीमान नन्हे लाल यादव इसी गांव के निवासी हैं चंदकपुरवा के धरती से 201 रुपया का महापुरस्कार किए मालिक सुखी रखे परिवार सुखी रहे सब भैयन के नमस्ते प्रणाम भाई कामना कुछ दिन बाद भैले बाबू तुई ललना हुआ कभी न खोज किया रिद्धि और सिद्धि गणेश संग है बियाह हुआ बियाह होने के बाद मास्टर साहब जब अपने ससुराल रिद्धि और सिद्धि आईन कुछ दिना के बाद दुई बच्चा पैदा भइन रिद्धि सिद्धि से शुभ और आज भी हमारे तोहरे यहाँ बियाह शादी पड़त अब देवाल में लिखा जाते कैती शुभ कैती आखिरी भावा अरे लिखते तूफानी ऐसन शब्दावली अरे लिखते तूफानी ऐसन शब्दावली रिद्धि और सिद्धि संग तुनौ मोरे रामा